अगर आपके पास बहुत सारी ट्रेडिशनल साड़ीज रखी हुई हैं और आप उनको एक मॉडर्न टच दे के उसको रीस्टाइल करना चाहती हैं, आपकी डॉटर करना चाहती है, आपकी कोई रिलेटिव करना चाहती है या फिर आप खुद करना चाहती है, तो आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स मिलने वाली हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टिप नंबर वन है, आपको उसकी ड्रेपिंग स्टाइल को चेंज करना होगा। आपको रेगुलर पेटीकोट को डिच करके आप साड़ी को सिगरेट पैंट्स, स्ट्रेट फिट पैंट्स, प्लाजो पैंट्स या फिर धोती पैंट्स के साथ ड्रेप करिए। उससे आपको एक बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न लुक मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी स्ट्रेट फिट पैंट्स की। जो स्ट्रेट फिट पैंट्स होती हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल स्ट्रेट फिटिंग में आती हैं, इसलिए वो स्ट्रेट फिट पैंट्स होती हैं। तो अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट फिट पैंट है तो उसके साथ जो जॉर्जेट मटेरियल की जो साड़ी होती है वो बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी, उसके साथ बहुत ही ईजिली ड्रेप होगी और काफ़ी स्टाइलिश लगेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिगरेट पैंट्स की। तो जो सिगरेट पैंट्स होती हैं वो आपकी सॉफ्ट साड़ीज एज वेल एज स्टिफ साड़ीज के साथ दोनों के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है। तो अगर आप अपनी बनारसी साड़ी सिगरेट पैंट के साथ पेयर अप करना चाहती हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपकी सिगरेट पैंट हो वो भी आपकी ट्रेडिशनल फैब्रिक में हो, लाइक बनारसी हो या फिर कोई अदर ट्रेडिशनल फैब्रिक हो, तो उसके साथ बनारसी साड़ीज बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लाजो पैंट्स की। तो प्लाजो पैंट्स ज़्यादा फ्लेयर होती हैं एज कम्पेयर टू सिगरेट पैंट्स या फिर आपकी स्ट्रेट फिट पैंट्स। जो प्लाजो पैंट्स होती है उनके साथ आपके फ्लोई फैब्रिक वाली साड़ीज बहुत अच्छी लगेंगी और आप उसको एक मॉडर्न लुक और मॉडर्न टच देने के लिए या फिर एक स्टाइलिश टच देने के लिए उसमें बेल्ट ऐड करिए, वो बहुत अच्छी लगेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धोती पैंट्स की। तो धोती पैंट्स के साथ आपको पेपलम वाले ब्लाउजेस या फिर आपको जो वेस्ट लेंथ के ब्लाउजेस होते हैं वो आप उसके साथ पेयर अप करिए, बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं धोती साड़ीज। जो आप धोती पैंट के साथ साड़ीज ड्रेप करते हैं या फिर आप अपनी साड़ी को धोती स्टाइल में भी ड्रेप कर सकती हैं। ये सारी ही ड्रेपिंग स्टाइल आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आप सीख सकते हैं कि इनको सिगरेट पैंट्स, प्लाजो पैंट्स, धोती पैंट्स के साथ ड्रेप करें तो आपको एक मॉडर्न टच मिले और आप वहां से सीख सकती हैं। नेक्स्ट टिप है, आप अपनी साड़ीज को पेयर अप करिए वेस्टर्न ब्लाउजेस के साथ। लाइक नंबर वन कॉर्सेट। आजकल ये कॉर्सेट जो है वो लड़कियां उसको एक टॉप की तरह कैरी करती हैं और इसी वजह से ये मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट वैरायटीज में अवेलेबल है। तो आप कॉर्सेट वाले टॉप हैं उनको आप एज अ ब्लाउज पहन सकती हैं अपनी ट्रेडिशनल साड़ीज के साथ, वो बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा और आपकी एक ट्रेडिशनल साड़ी को मॉडर्न टच देगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेल स्लीव्स टॉप्स। आजकल आपने देखा होगा बलून स्लीव्स, बेल स्लीव्स या फिर पिजन स्लीव्स जो टॉप होते हैं वो काफ़ी इन हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऐसे जो टॉप्स होते हैं आप इनको अपनी सैटिन साड़ीज के साथ या फिर सिल्क साड़ीज के साथ पेयर अप कीजिए, वो बहुत अच्छी लगेंगी उसके साथ। नेक्स्ट है बेसिक क्रॉप टॉप। एक बेसिक क्रॉप टॉप्स जो हैं वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके इंडियन ब्लाउजेस को रिप्लेस करने का। आप क्रॉप टॉप के साथ अपनी लिनन, कॉटन या फिर खादी वाली साड़ीज जो है अगर आपके पास, तो आप उसको पेयर अप करिए। और अगर आपकी साड़ीज इक्कट प्रिंट में, बांधनी प्रिंट में या फिर बैटिक प्रिंट में होगी जो ट्रेडिशनल प्रिंट्स होते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी लगेगी। और आज की जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है आपको अपनी साड़ीज को एक स्टेटमेंट ब्लेजर या फिर जैकेट के साथ पेयर अप करिए टू ऐड अ मॉडर्न टच। आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्लेजर्स और जैकेट की वैरायटी अवेलेबल है। ब्लेजर्स, स्लीवलेस ब्लेजर्स या फिर प्रिंटेड जैकेट्स काफ़ी इन हैं, तो आप उनको स्टाइल कर सकते हैं अपनी साड़ीज के साथ। कैसे, चलिए उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लोरल सैटिन ब्लेजर्स की। ये ब्लेजर्स अगर आपके पास सॉलिड कलर की साड़ीज हैं तो उनके साथ ही वाइब्रेंट कलर के जो सैटिन मटेरियल के ब्लेजर्स हैं ये बहुत अच्छे लगने वाले हैं। नेक्स्ट है एंकल लेंथ जैकेट। इनमें आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी, जैसे अंगरखा, एसिमेट्रिकल या अम्पायर कट। ये जो जैकेट्स हैं ये आपकी बेस्ट लगेंगी आपकी सिल्क साड़ीज के साथ, और आप चाहें तो उसके साथ एक ऑर्नामेंट बेल्ट भी ऐड कर सकती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेसिक कॉलर्ड ब्लेजर्स की। आपने ये कॉलर्ड ब्लेजर्स देखे होंगे विंटर्स में,
तो ये जो ब्लेजर्स होते हैं ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, आपको एक फॉर्मल लुक देते हैं। अगर आपको ऑफिस में पहनना है या फिर आपको साड़ी के साथ उसको स्कूल में भी पहनना है, आप टीचर हो तो वो जो ब्लेजर्स होते हैं उसके साथ आप अपनी साड़ी को पेयर अप करिए, आपको वो बहुत ही मॉडर्न टच देगा और आपको विंटर्स में वॉर्म भी रखेगा। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये छोटी छोटी टिप्स काफ़ी हेल्पफुल लगेंगी आपको अपनी ट्रेडिशनल साड़ी को एक मॉडर्न टच देने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।